एक समय की बात है, एक जंगल में एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ के बहुत सारे आम लगते अरे यार, मेरे तो बहुत सारे आम लगते हैं, पर ये आम मेरे कोई काम के नहीं हैं। मैं स्वयं तो इन आमों को खा नहीं सकता हूँ। हर बार मेरे सारे आम ऐसे ही खराब हो जाते हैं। अरे हाँ, अगर मैं इन आमों को सस्ते दामों में बेचना शुरू कर दूँ तो मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ, क्योंकि सब मेरे से ही आम खरीदेंगे, क्योंकि मेरे आम बाजार से सस्ते और ताजा होंगे। फिर वहाँ एक रानी नाम की चिड़िया आती है। आम का पेड़ रानी चिड़िया को देखकर रानी चिड़िया से बोलता है। अरे सुनो, ताजा आम ले लो, एकदम ताजा और शुद्ध, एकदम सबसे सस्ते आम ले लो। इतने सस्ते आम आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अरे बाजार में आम तो मिलते हैं, लेकिन इतने सस्ते नहीं मिलते हैं और ताजा भी नहीं मिलते हैं। और मेरे पास सस्ते और ताजा आम है। ऐसी बात है तो मुझे आपसे आम खरीदने में फायदा है। आप मुझे 2 किलो आम दे दो। फिर रानी चिड़िया उस आम के पेड़ से 2 किलो आम खरीद कर वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर बंटी कबूतर आता है। फिर आम का पेड़ बंटी कबूतर से बोलता है। अरे सुनो, ताजा और सस्ते आम ले लो, एकदम ताजा और सस्ते आम ले लो। इतने सस्ते आम आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। आप मुझे 5 किलो आम दे दो। मैं बाजार में आम खरीदने के लिए ही जा रहा था। फिर सस्ते आम होने के कारण बंटी कबूतर उस आम के पेड़ से 5 किलो आम खरीद कर वहाँ से चला जाता है। फिर सब बाजार से आम खरीदना बंद कर देते हैं और उस आम के पेड़ से ही आम खरीदते हैं। धीरे धीरे वो आम का पेड़ बहुत सारे पैसे कमाने लगता है। इतने पैसों को देखकर उस आम के पेड़ के मन में लालच आ जाता है। अरे अब तो सब मेरे से ही आम खरीद रहे हैं, सबने बाजार से आम खरीदना बंद कर दिया है। अगर आमों को महंगे दाम में बेचना शुरू कर दूं तो मैं और भी ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। फिर वह आम का पेड़ अपने आमों के दाम बढ़ा देता है। फिर उस आम के पेड़ के पास रानी चिड़िया आती है और बोलती है। सुनो, मुझे जल्दी से 5 किलो आम दे दो। आज मेरे घर पर मेहमान आएंगे तो उन्हें जूस बनाकर पिलाना है। अरे सुनो, आम तो ले लो, लेकिन मैंने आमों के दाम बढ़ा दिए हैं। मैंने आमों के दाम 20 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिए हैं। अगर आपको आम खरीदने हैं तो खरीद लो, वरना कोई बात नहीं है। फिर मुझे आपसे आम नहीं खरीदने हैं। इससे अच्छा तो मैं बाजार से ही आम खरीद लूंगी। फिर रानी चिड़िया उस आम के पेड़ से आम नहीं खरीदती है। आम महंगे होने के कारण कोई भी उस आम के पेड़ से आम नहीं खरीदता है। फिर उस आम के पेड़ के आमों में कीड़े लग जाते हैं और उस आम के पेड़ के सारे आम खराब होकर नष्ट हो जाते हैं। अरे यार, मेरे लालच के वजह से मेरे सारे आम खराब हो गए और ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में एक भी पैसा नहीं कमा पाया। अगर मैं आमों को महंगा नहीं करता तो मेरे सारे आम बिक जाते और एक भी आम खराब नहीं होता।